से हम लोग फ्राई करते हैं। देखो इधर इधर फ्राई होके निकल रहा है अभी, और जबकि पूरा गर्म है। देखो ये हवा, सुनो इसका है क्रिस्पी करंची। देखो अगर ये हिसाब से आप लोग सोच रहे हैं ना, तो एक बार ये हिसाब से जब बनाएंगे तो बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त एकदम परफेक्ट बनेगा। देखो ये हमारा पानी पूरी कैसा फ्राई हो रहा है, और इधर से फ्राई होके निकल रहा है। देखो यह है पूरा आलू टोटल। अगर आप नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के शानदार वीडियो में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को, मैं जो अभी तक जो सीखा हूँ और जो आप लोगों को समझाने की लाख कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ पाएं, आज मैं आप लोगों को 15 साल की मेहनत आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर ये समझ गए ना, जो मैं सीखा हूँ इतने मेहनत से सीखा हूँ कि आप लोगों से मैं क्या बताऊँ। लेकिन ये वीडियो अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत बहुत कुछ सीखेंगे इसमें। ऑल टोटल जैसा मैं खुद बनाता हूँ, मैं खुद सेम वैसा ही बताया हूँ ऑल टोटल। सिर्फ आप लोग शुरू से आखिरी तक ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल मेरे जैसा ही आप लोग बना पाएंगे, एकदम फुली फुली क्रिस्पी करंची एकदम जबरदस्त। लेकिन आप लोग जब तक एकदम अच्छे से नहीं देखेंगे, ध्यान से नहीं देखेंगे, जब तक आपका नहीं बनेगा। मैं खुद जब मैं सीखा था ना, 2-3 साल कंटिन्यू रात दिन मेहनत किया था जब जाके सीखा था। आप लोगों को लग रहा होगा कि एक दिन में सीख जाऊंगा, तो एक दिन में नहीं सीख पाएंगे। आप लोगों को एकदम अच्छे से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद बनाओ बिल्कुल एकदम जबरदस्त और बहुत आसानी से बना लेंगे। सिर्फ आप लोग अच्छे से देखो, समझो, उसके बाद बनाओ। चलो मैं बनाना शुरू करता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये हमारा सूजी, देखो मैं इससे ही बनाऊंगा आज का गोलगप्पा। ये पहले मैं आज आप लोगों को बढ़िया से माप के दिखा दूं। ये आप लोग देख सकते हैं हमारा एक कटोरा सूजी, ये हमारा ये रवा है, और इसको हम पहले ले लेंगे एक कटोरा रवा, उसके बाद आधा कटोरा और लेंगे इसमें, ये आधा कटोरा। आज मैं 1.5 कटोरे से बनाऊंगा बिल्कुल, ताकि आप लोग एकदम अच्छे से समझ पाओ और बिल्कुल एकदम अच्छे से बनाओ बिल्कुल मेरे जैसा। ये जो तरीका बता रहा हूँ, देखो 1.5 कटोरा ये हमारा सूजी, उसके बाद इसमें आधा कटोरा हम डालेंगे गेहूं का आटा। ये आधा कटोरा गेहूं का आटा डालेंगे इसके अंदर, देखो ये हमारा आधा कटोरा गेहूं का आटा। अब इसको हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे खाने का सोडा, बिल्कुल हल्का सा खाने का सोडा डालेंगे, ये थोड़ा सा खाने का सोडा। ये अब इसको हम बिल्कुल कम से कम ये मुश्किल से 1 से 1.5 ग्राम खाने का सोडा डालना है, बस ज़्यादा नहीं डालना है। उसके बाद देखो इसको बिल्कुल एकदम अच्छे से मिला लेना है अच्छे से। मैं आप लोगों को दिखा दूँ, पैकेट भी दिखा देता हूँ, ये जो मैं इसमें पाउडर डाला हूँ वो, ये देखो ये हमारा पैकेट आप लोग देख सकते हैं, ये हम लोग यही डालते हैं कभी भी। और आप लोग इसमें एक पापड़ खा बोल के एक आता है उसका पाउडर, उससे और अच्छा, इससे भी अच्छा बनेगा, उसका पपड़ी बहुत ही कम निकलेगा। ये हिसाब से देखो अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, उसके बाद अब इसका आटा लगा लेंगे ये हिसाब से। ये बिल्कुल एकदम नॉर्मल आटा लगा लेना, बिल्कुल एकदम नॉर्मल पानी से, ये हिसाब से बिल्कुल एकदम नॉर्मल पानी से इसका आटा लगा लेना बिल्कुल अच्छे से। देखो ऐसा थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा लगा लेना, ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है कि ज़्यादा पानी डालना है, ये हिसाब से अच्छे से हम लगा लेंगे इसका आटा फटाफट। अब देखो ये हमारा आटा एकदम लगने वाला हो गया है, आप लोगों के सामने है। ये हिसाब से अगर आटा लगाएंगे एकदम बिल्कुल, और इसको आटा लगाते समय बिल्कुल एकदम ध्यान देना है कि इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं मसलना, बस हल्का सा मसल लेना है थोड़ा सा, उसके बाद इसको रख देना है। ये देखो ये आटा हो गया हमारा लग के रेडी, अब इसको हम रखेंगे, उसके बाद इसका बनाएंगे पेड़ा। और इसको रखना कितना देर है, 15 से 20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। बहुत ज़्यादा हो गया तो आधा घंटा, अगर टाइम जैसे आप लोग सोच रहे कुछ दूसरा काम कर लूँ तो आधा घंटा से ज़्यादा नहीं छोड़ना। अब ये हो गया हमारा परफेक्ट रेडी। चलो मैं अब जब इसका पेड़ा बनाऊँगा उसके बाद आप लोगों को दिखाऊँगा कैसे पेड़ा बनाना है। अब देखो हम इसको निकाल लेंगे, हमारा 20 मिनट हो गया है, और उसके बाद हम इसको अच्छे से बढ़िया से मसल लेंगे एकदम अच्छे से, ताकि हमारा जो आटा एकदम गोलगप्पा बनाने के लिए एकदम परफेक्ट रेडी हो जाए। हम ये हिसाब से एकदम एकदम बढ़िया से इसे मसल लेंगे।
आप लोगों के सामने अगर ये हिसाब से आप लोग बनाएंगे एकदम परफेक्ट जबरदस्त बनेगा। अब देखो ये हमारा पानी पूरी बनाने के लिए आटा एकदम रेडी हो जाएगा। ये हिसाब से हम मसलेंगे एकदम जबरदस्त। ये देखो ये है आप लोगों के सामने, सिर्फ मुश्किल से 30 से 40 सेकंड मसला गया, बस ज़्यादा बिल्कुल नहीं मसलना है कि मतलब ज़्यादा देर इसको कुछ भी नहीं, बस ये हो गया हमारा एकदम परफेक्ट। अब इसको हम काट लेंगे, ये अब इसको हम काट लेंगे ये हिसाब से देखो, ये अब इसको हम देखो ये हो गया हमारा रेडी। अब इसको हम काट लेंगे ताकि पेड़ा बनाने में बिल्कुल आसानी हो जाए। ये हिसाब से देखो, अब इससे क्या होगा कि पेड़ा जब बनाएंगे ना एक साइज का ही बनेगा, छोटा बनाए चाहे बड़ा बनाए, इसलिए हम लोग इसको पहले ये हिसाब से काट लेते हैं। देखो ये हो गया हमारा काट के रेडी। अब उसके बाद वापस उठा के ऐसा फिर ऐसा पॉलीथीन में ही रखेंगे, इससे सूखेगा नहीं और पेड़ा भी अच्छा बनेगा, सूखेगा भी नहीं। अब देखो ये हिसाब से अब इसका पेड़ा ऐसा हम इसका ऐसा बना लेंगे अच्छे से पेड़ा, ये हिसाब से देखो। अब ये है हमारा पेड़ा बनाने का तरीका, और ये हिसाब से अगर आप लोग कभी भी बनाएंगे एकदम परफेक्ट ही बनेगा। सिर्फ आप लोगों को मैं जैसा बता रहा हूँ अगर ये हिसाब से एक बार बनाए ना बिल्कुल, लेकिन एक बात है अच्छे से देखेंगे तो, ये नहीं कि बस इधर का उधर देख लिए थोड़ा थोड़ा स्किप करके तो फिर बाद में समझ में नहीं आएगा। और जबकि मैं जो शूट करता हूँ इसको एडिट तो नहीं करता हूँ, वीडियो सिर्फ यहाँ से शूट करता हूँ उसके बाद डायरेक्ट अपलोड कर देता हूँ। आप लोग सोचेंगे कि एडिट करा है, ऐसा कुछ नहीं है, जो है रियल है, सिर्फ ऑल टोटल पूरा रियल ऑल टोटल जो भी मैं करता हूँ जैसा मैं करता हूँ सेम वैसा ही बताता हूँ, दूसरा कुछ नहीं है इसमें। आप लोग अगर स्किप करके देखेंगे तो ना समझ में आएगा ना बनेगा, कभी नहीं बनेगा। जब आप लोग ये हिसाब से करेंगे जब ही पता चलेगा ऑल टोटल, बिल्कुल एकदम ध्यान से एक बार देख लो उसके बाद बनाओ बस। अब आप लोग देख सकते हैं ये हमारा पेड़ा कैसा बना है आप लोगों के सामने है। देखो अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं पानी पूरी गोलगप्पा पानी पतासा पुचका बनाना तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आटा लगाना जितना ज़रूरी उतना ज़्यादा इसका एक साइज बनाना बहुत ज़रूरी है। अब देखो ये हमारा पेड़ा बनने के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा ये अपना गेहूं का आटा हल्का सा ये हिसाब से मार देंगे, उसके बाद ये हिसाब से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ऐसा देखो ये हिसाब से मिला देंगे, उसके बाद ये हमारा बेलने के लिए एकदम परफेक्ट रेडी हो जाएगा। ये हिसाब से देखो ये ऑल टोटल देखो ये है हमारा असली तरीका। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे बिल्कुल एकदम परफेक्ट ही बनेगा एकदम जबरदस्त रोड जैसा। ये देखो हमारा अब हो गया पेड़ा बन के रेडी। अब इसको हम काट लेंगे वापस से फिर पॉलीथीन में। अब देखो अभी तक शुरू से आखिरी तक जब से आटा लगाए जब से अभी तक ये पॉलीथीन के अंदर ही है। अब ये बेलने के लिए हो गया रेडी। चलो अब हम इसको बेलेंगे, बेलने के बाद फिर इसको हम फ्राई करेंगे। पहले हम बेल लेंगे और कैसा बेलना है वो भी बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा नहीं तो नहीं पता चलेगा। अब आप लोग देख सकते हैं ये हमारा बेलना चालू हो गया है। ये हिसाब से हम लोग बेल के इसको रखते हैं। देखो इधर ये हमारी जो मैं पेड़ा बना के रखा था ये हमारा पेड़ा है, और उसके बाद हम लोग बेल के ये हिसाब से ही रखते हैं। देखो अगर आप लोग भी ऐसा सोच रहे हैं पानी पूरी गोलगप्पा बनाना तो मैं पहले भी बताया हूँ कि जब तक आप लोग एकदम बढ़िया ध्यान से नहीं करेंगे जब तक नहीं बनेगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान देना कि कभी भी कि मतलब आप एक हिसाब से एक बराबर से बेलो, और उसके बाद सबसे पहले इसका पेड़ा एक बराबर से बनाओ कि एक साइज रहे। जब तक एक साइज आपका पेड़ा नहीं बनेगा ना जब तक कुछ नहीं होगा। आप लोग देख सकते हैं और जब पेड़ा आपका एक बराबर एक साइज बन गया तो उसके बाद आपका गोलगप्पा भी एकदम एक बराबर ही बनेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग एकदम अच्छे से ध्यान से एक बार वीडियो देखो, एकदम उसमें एक बराबर से पहले नंबर तो आटा लगा लो अच्छे से, उसके बाद पेड़ा बना लो, उसके बाद फिर बेलो एक साइज का ही बेलो, उसके बाद ही आपका गोलगप्पा एक साइज का बनेगा। देखो
अब ये हमारा गोलगप्पा आप लोगों के सामने है, देखो कैसा हम लोग बेल के रखे हैं और साइज आप लोग देख सकते हैं। जब तक आप लोग एक साइज का नहीं बनाएंगे जब तक कुछ नहीं होगा। देखो ये आप लोगों के सामने इसका साइज पूरा है और ये हिसाब से ही बेलना है, जब ही आपका गोलगप्पा एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास बनेगा। देखो ये हो गया बेलने के बाद, अब चलो मैं आप लोगों को फ्राई करके उसके बाद दिखाऊंगा। देखो ये अभी हमारा पानी पूरी फ्राई होना शुरू हो गया है। देखो जो अभी मैं आटा लगाया था वही आटा है, दूसरा कुछ नहीं है। ये आप लोगों को मैं सिर्फ समझ जाओ ये हमारी 15 साल की मेहनत है, जो जबकि मैं आप लोगों को 10 से 15 मिनट में सिखा दूंगा बिल्कुल, लेकिन आप लोग एकदम अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा हाल टोटल। देखो कैसा फ्राई हुआ है आप लोगों के सामने है, कितना पपड़ी है, कितना गुच्चुप है आप लोगों के सामने। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं, देखो अभी हमारा पूरा पेटी खाली पड़ा है और इधर देखो अभी हमारा साफ हो रहा है पेटी, ये अभी इसको साफ कर लेंगे पूरा अच्छे से, उसके बाद हम इसमें भरेंगे अपना पानी पूरी। और हमारा पानी पूरी जहाँ फ्राई हो रहा है वो भी दिखाऊंगा आप लोगों। ये देखो हमारा कैसा फ्राई हो रहा है, ये हिसाब से हम लोग फ्राई करते हैं। देखो इधर इधर फ्राई होके निकल रहा है अभी, और जबकि पूरा गर्म है। देखो ये आवाज़ सुनो इसका, है क्रिस्पी करंची। देखो अगर ये हिसाब से आप लोग सोच रहे हैं ना, तो एक बार ये हिसाब से जब बनाएंगे तो बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त एकदम परफेक्ट बनेगा। देखो ये हमारा पानी पूरी कैसा फ्राई हो रहा है और इधर से फ्राई होके निकल रहा है। देखो यह है पूरा आलू टोटल। अगर आप लोग घर बैठे सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल बहुत आसानी से बना लेंगे, सिर्फ आप लोग एक बार ध्यान से देखो उसके बाद बनाओ एकदम परफेक्ट। देखो ये कैसा फूल रहा आप लोगों के सामने है, ये ज़बरदस्त एकदम। और देखो ये यहाँ से उठाना है, उठा के फेंक देना है बस इसके अंदर। देखो ये गया इसके अंदर और उसके बाद देखो अभी कैसा फूलेगा एकदम ज़बरदस्त। ये नज़दीक से दिखा दूँ मैं आप लोगों को, ये देखो ये आप लोगों के सामने। आप लोग सोचेंगे कि सिर्फ बना रहा है बता दे रहा है, लेकिन चुतिया बना रहा, तो देखो ये आलू टोटल जैसा मैं खुद बनाता हूँ सेम वैसा ही बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग ध्यान से देखेंगे जब ही बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। देखो ये है हमारा असली तरीका। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फॉलो जरूर करें, मेरा फेसबुक पेज है अभिषेक पानीपुरी रेसिपी वीडियो। नमस्कार।